हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे तिल मावा लड्डू। तिल मावा लड्डू बनाने के लिए हमने दो कटोरी सफेद वाले तिल लिए हैं, एक कटोरी खोया मावा, एक कटोरी पिसी चीनी या बूरा, तीन हरी इलायची। सबसे पहले इन तिलों को भून लेंगे। गैस ऑन कर दिया, मैंने पैन रख दिया है, तिलों को भून ले। धीमी गैस पर लगातार चलाते हुए हम इन्हें भून लेंगे। तिल हमारे भुन चुके हैं। जब तिल भुन जाते हैं तो फूल जाते हैं और थोड़ा इनका कलर चेंज हो जाता है। गैस बंद कर देंगे और इन्हें एक दो मिनट ठंडा होने देंगे। तिल थोड़े ठंडे हो गए हैं, इसमें से आधे तिल निकाल के रख लेंगे अलग और आधे तिल को पीस लेते हैं। तिलों को हमने पीस लिया है, इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। इसमें डाल देंगे इलायची। इलायची को मैंने कुट लिया है, उसका छिलका अलग कर लिया है। ये बुरा मावा, सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अभी लड्डू बनाते हैं। सभी लड्डुओं को अच्छी तरह से बना लेंगे। तिल और मावे के लड्डू बनकर के तैयार है, इन्हें आप बनाइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।